नमस्ते। जन सरोकार मंच टोंक में आज पुनः बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे बीच देश की चर्चित कवयित्री मीरा बेनवाला जुड़ी हुई है और जन सरोकार मंच के संयम से आज बातचीत की शुरुआत होगी। सबसे पहले नरेंद्र जोशी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि यह मौका मीरा मेघमाला और कादम्बनी रावी से बात करने का मौका हमें आज बहुत दिनों के बाद मिला है, बल्कि पहली बार मिला है। ऐसे बातचीत होती रहती है। मीरा मेघमाला कर्नाटक के शिवमोगा जिले की खाली तहसील में जन्मी है। हिंदी के साथ कन्नड़ और कोंकणी में भी इनका लेखन कर्म जुड़ा हुआ है। तीन कविता संकलन कन्नड़ भाषा में प्रकाशित एवं चर्चित हुई है। कई सारे वेब पोर्टल्स, पत्रिकाओं में कॉलम, लेख, अनुवाद, कविताएं, कथा कहानियां प्रकाशित हुई है। फैशन डिजाइनर है, स्वयं का इनका व्यवसाय है, बेंगलुरु में फिर रहती है। मीरा मेघमाला के बारे में हमारे मित्र देवेंद्र आर्य कहते हैं कि मीरा मेघमाला सचित कवि है, जाहिर है साहसी और सतेज भी। ऐसे समय में जब अधिकांश कवित्रियां राजनीति से कंधी काट के विमर्शों से सुरक्षात्मक दूरी बनाए रखती हों, इसलिए प्रेम और परिवार को छोड़कर मीरा अपनी पक्षधरता तय करती है और वह अभी पूरे काव्य सौंदर्य के साथ जब प्रतिबद्धता कविता में तय करना भी खतरनाक हो, मीरा कविता के बाहर भी अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है। फेसबुक पर राजनीतिक विश्लेषण करती है, उनकी मुखर टिप्पणियां मैंने देखी है। उनके यहाँ व्यक्तिगत संघर्ष और करुणा का सक्रिय विस्तार प्रकृति और पशु पक्षियों तक है। उनकी गहन काव्य संवेदनाएं अत्यंत बारीक है। आशा है दक्षिण के चर्चित काव्य स्वर का हिंदी कविता परिवार में प्रदर्शित स्वागत होगा। हिंदी में उनके पहले काव्य संग्रह के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, देवेंद्र ने लिखा है। और इस किताब में सबसे पहले तो उन्होंने भूमिका लिखी है संसार आलम में। इसके पहले मैंने 10/1/2023 को एक टिप्पणी एक मुजरिम का बयान न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से जो संग्रह आया है उस पर मैंने दी थी। मैं चाहता हूँ उसे पढ़ू। मीरा मेघमाला की इजाजत है, मैं पढ़ू। आपका स्वागत है। देश में बहुत सारे लोग कविताओं को लिख रहे हैं। ऐसे में मीरा मेघमाला की कविताएं हाल के दिनों में हमें प्रभावित की है। मीरा मेघमाला अपनी कविताओं में अपने अंदाज में अपनी बात खुल कर रखती है। कोई भी तथ्य को छुपाती नहीं है। कहीं प्रेम दिखाई देता है तो कहीं दुख दिखाई देता है और अपने अनुभूति से कविताओं की बात करने में सक्षम हो जाती है। एक कविता है, कभी बात निकल आए तो हमेशा आसमान की तरफ देखती रहती हूँ। कभी पर निकल आए तो उड़ जाना है, मतलब कभी पर निकल आए तो एक शीर्षक है। उन्हें की बेचैनी और जीवन में स्वतंत्र विचरण करने की तमन्ना भी है। जाहिर सी बात है कि आज हर लोग विचरण करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है कि बहुत पहले से स्त्रियों को घर में रखा गया, लेकिन आज जब वो जीना चाहती हैं, तो कविता में जीना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं। एक कवि को छोटी छोटी चीजों को रखकर कविताएं लिखनी चाहिए। वह कविता मीरा मेघमाला में दिखाई देते हैं और यह छोटी चीजों का विषय बनाती हैं, उस पर लिखती हैं। जैसे उन्होंने प्रक्रिया पर कविता लिखी है और आज हर आदमी के घर में चाहता है प्रक्रिया, ये लिखती है। सारे बच्चे अपनी माओ के सीने में चिपक कर सो गए, मैं तकिए ने मुझ पाल लिया। जब तक जगे थे तब तक तकिए के लिए लड़ते झगड़ते रहे, वह दो बच्चे अब सो चुके हैं तकिए के बिना। और अंत में कहती है, यूं आंखें मूंद कर इसकी कोमलता पर कभी यकीन न करना,
एक वक्त ऐसा भी आएगा, इतना नरम नाजुक तकिया भी इतना कठोर बन जाएगा कि दम घोट कर चांद ही ले लेगा। कविता में इशारों में बातें की गई है। एक बिस्तर पर दो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि कोई वहां पुरुष भी है, जहां तकिया इतना मुलायम है, एक समय में वह कठोर बन जाता है। यह कविता कठोर कविता नहीं है, बल्कि तकिया के बहाने जीवन को कठोर बनते हुए देखने की एक प्रक्रिया भी है। इस कविता में बार बार प्रयोग किए गए शब्द वह हैं जो आंसू, प्रेम पत्र, अलमारियों की चालियां, कठोरता और भरोपिया है। एकदम इतने सारे शब्दों को जरूरत इसलिए पड़ी कि जीवन की बहुमूल्य समय को रेखांकित कर रही है। ऐसा लगता है इस रचनाकार प्रतीक के लिए अपनी सारी बातों को रख देना चाहती है। इसी चर्चा के पहले पैराग्राफ में मीरा लिखती है कि मैं बार बार से तकिया का कवर बदल लेती हूँ, बाकी सारे आंसू तकिया छिपा लेता है। आजकल कविता संग्रहों की बात भी आ गई है, ऐसे में कविता को रेखांकित करना बड़ी बात बनती है। लोग कहते हैं कि कविताएं ज्यादा लिखी जाती हैं, कविताएं ज्यादा पढ़ी जाती हैं, कविताओं की पुस्तक ज्यादा आती हैं। ऐसे में कविता की गर्माहट पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। यह सुखद संयोग है कि सोशल मीडिया के आने के बाद एक तरफ हम कठोर हुए हैं तो दूसरी तरफ संवेदनशील भी। ऐसी आशा है कि आने वाला समय ज्यादा संवेदनशील होगा, लेकिन जमाने को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है। सबसे संवेदनशील और दुनिया की भावना कविता में नहीं दिखाई देती है। लेकिन यहाँ संवेदनशीलता है, दिखाई भी दे रही है। हमें कविता में, हम कविता में जीते हैं तो कविता हमारे लिए जीने लगती है। कविता को छोड़कर कभी नहीं जा सकते जब तक यह पृथ्वी हमारे साथ है, उस समय तक कविता हमारे साथ भी रहेगी। मीरा मेघमाला की कविताएं भी साथ रहेंगी। इन संग्रह में बेहतरीन कविताएं हैं इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन तमाम कविताओं पर एक साथ बात करना मुश्किल काम है। ऐसे में इस टिप्पणी को इस रूप में लिया जाए कि समकालीन कविता में मीरा मेघमाला का स्थान आने वाले समय में जरूर बन सकता है। उम्मीद है, आशा है, चूंकि यह दक्षिण भारत की भाषाओं में भी लिखा करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक साथ दो तीन भाषाओं में लिखना एक बड़ी चुनौती भी है। अब समय के साथ देने की कला भी बेहद खूबसूरत कविताओं के चेचा मीरा मेघमाला को मैं लगभग 4-5 वर्षों से जान रहा हूँ। इन कविताओं की प्रक्रिया से लगभग परिचित हूँ, तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि रचनात्मकता के शुभ अवसर पर मीरा की कविताएं और अधिक अच्छी पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि मीरा मेघमाला की भावना पशु पक्षियों के बीच भी है और ये प्रकृति की को बेहद प्यार करती है। एक कविता है फर्क, रूप थोड़ी देर चिड़ियों की आवाज में सुन तो लू, चाहत क्या और चीख क्या, फर्क जरा समझ लू। यह संग्रह मुजरिम अभियान नाम से प्रकाशित हुआ है, इसलिए यह रचनाकार का अभियान है, मुजरिम का नहीं। रचनाकार अपने को कटघरे में खड़ा करके इन कविताओं को रची है, इसलिए यह एक रचनाकार का अभियान है। शुभकामना अरुण सिद्धांत। प्रातः 4 बजे तिथि 10/1/2023 को मैंने टिप्पणी लिखी थी। क्या मीरा मेघमाला जी अपने साहित्यिक प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएं? नमस्ते सर, नमस्ते सबको। मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए, एक कविता का सिलसिला मेरी जिंदगी में, शायद मैं बहुत छोटी थी तब से मैं पढ़ा करती थी, कविताएं खूब थी मेरी अंदर, लेकिन मैंने कभी लिखने की कोशिश नहीं की। 2015 में मेरे घर में हुई एक छोटी सी घटना के बाद में मैंने मेरे एक दोस्त को कहा कि मेरे लिए एक फेसबुक का अकाउंट खोल के देना, क्योंकि आज मुझे लिखना है, नहीं तो मैं एक तो मैं पागल हो सकती हूँ या फिर मुझे मर जाना है, इसीलिए मुझे एक आईडी खोल के दो। ये मैंने कहा और 5 मिनट में उसने एक आईडी खोल के दी। उसी रात से मैंने लिखना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों लोगों ने मुझे पसंद भी कर लिया,
मेरी कविता के लिए इतना मतलब इतना इतनी चाहत मैंने देखी है, इतने रीडर्स मैंने देखे हैं। मैं क्या कहूँ इस बारे में, मुझे समझ में नहीं आता। ये 1 साल में मैं कर्नाटक में बहुत ही सोशल मीडिया में बहुत ही पॉपुलर हो चुकी थी, और उसके बाद में अपनी जी किताब, हाँ उसके बाद में 2017 तक मैंने किताब कोई पब्लिश नहीं करी, लेकिन बहुत सारे पब्लिशर्स मेरे से कविता पब्लिश करने की बात करते थे। हर कोई पूछते थे क्या आपका कोई कविता संग्रह आया है, ये पूछते थे। और मैंने 2017 में ये मेरा किताब आया, वो 384 पेजेस का था। मतलब 384 पेजेस का मतलब काफी तगड़ा मोटा किताब था, वो कविता संग्रह था, वो पहला मेरा पहला कविता संग्रह था। उसके लिए बहुत मतलब बहुत ही चर्चित हुआ वो कर्नाटक में। और घर घर में इसका विमोचन, मैंने ये किताब का विमोचन नहीं किया था कहीं भी, लेकिन मेरे जो रीडर्स थे उन्होंने घर घर में उस किताब का विमोचन किया था। ये दिखाता है कि मेरी कविताओं के लिए लोगों में इतना प्यार था, वो वहां दिखाई दे रहा था। और दूसरा, बिल्कुल 2019 में मैंने एक और किताब पब्लिश किया, वो है वो पहले किताब का नाम मैंने नहीं बताया, वो किताब का शीर्षक था ये जो पटरा होता है ना, मतलब पेड़ से काट के पटरा बनता है ना, वो पटरा और नरम उंगली, ये उसका नाम था, क्योंकि संघर्ष ही इसका शीर्षक में झलकता था। फिर उसके बाद में जो दूसरा किताब आया उसका नाम था पत्थर दिल पर बैठी चिड़िया। ये किताब भी उतना ही चर्चित हुआ जितना पहले पहले का किताब हुआ हुआ था। फिर उसके बाद में एक और किताब मेरा पब्लिश हुआ, वो ये था कि सुंदर प्रकाशन नाम का ये, वो क्या करते हैं हर साल, वो ये कविता का चयनित कविताओं का श्रृंखला उनकी होती है किताबों की, उनमें ये किताब मेरा पब्लिश हुआ था। ये 3 किताब कन्नड़ में पब्लिश हुए थे, और कन्नड़ में ऐसे कोई पत्रिका नहीं है जिन्होंने मेरी कविता या फिर मेरा लेखन या फिर मेरा मेरा कोई पब्लिश नहीं किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पोर्टल्स में, वेब पोर्टल्स में, न्यूज पोर्टल्स में या फिर मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में मेरी कविताएं पब्लिश होती थी, लेखन पब्लिश होते थे। फिर ये एक और बात है कि कोंकणी में भी मैं लिखने लगी थी। मतलब कोंकणी मेरी मातृभाषा है, मेरी घर की बोली है, और कर्नाटक में कन्नड़ है, तो कन्नड़ में मैंने, कन्नड़ जाहिर सी बात है कन्नड़ में मैंने पढ़ाई की है, तो कन्नड़ मुझे अच्छा आता है, तो लिखती थी। फिर उसके बाद में एक ऐसी मतलब अब्जर्ड सी बात मेरी जिंदगी में हुई, ये बात मैं आज आप लोगों के सामने मैं खुलकर बताना चाहती हूँ कि मैं ना वहां कादम्बिनी रावी नाम से मैं लिखने लगी थी, तो इतने सारे रीडर्स मेरे थे, उसके साथ साथ मुझे नफरत करने वाले भी थे साहित्यिक क्षेत्र से, बड़े बड़े लोग, वो ना मुझे बहुत ही इतना नफरत करते थे, मेरा नाम मिटाना चाहते थे, किसी भी तरह से मुझे भगाना, वहां से भगाना चाहते थे। ये उन लोगों से मैं भी थक जाती थी, उन लोगों से मुझे लड़ना नहीं था, क्योंकि मैं, वो लोग हमेशा से मुझे ताने मारते थे एकेडमिक क्षेत्र से नहीं हो। एकेडमिक क्षेत्र से मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या प्रोफेसर बनना होता है या प्रकाशक बनना होता है, क्या होता है वो? तो फिर मैं लिखती थी, बस मुझे कोई अवार्ड लेना नहीं था, अगर वो बुलाकर भी देते मैं नहीं जाती उसको लेने। मैं पहाड़ों की थी, पहाड़ के किसी ढाल पर, पेड़ के ढाल पर बैठकर गाने वाली एक पंछी की तरह थी मैं, उसका कोई नाम नहीं होना चाहिए ऐसा मैं सोचती थी, और उसका सिर्फ गाना सुने ये मैं सोचती थी, गाती थी बस। लेकिन ये भी उन लोगों को तकलीफ होने लगा, वहां तकलीफ देने लगे, तो मैंने क्या किया, एक दिन यहाँ के मीरा मेघमाला नाम से एक खाता खोल दिया
फिर कुछ दिन लिखा मैंने उससे। लिखने के बाद उसी समय अरुण चितम सर से मेरी मतलब दोस्ती शुरू हुई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मेरे कुछ करीबी, मेरे मेंटर मैं मानती हूँ वैसे, कवि चिंतक, उन्होंने मुझे बोल, वसंत बन्नाडी नाम के हैं, उन्होंने मुझे कहा नहीं तुम्हारी जगह ये नहीं है, कन्नड़ में लिखो, कन्नड़ में वापस आ जाओ, हिंदी में लिखना छोड़ दो, ये उन्होंने कहा। फिर मैं हिंदी में कन्नड़ में जाकर थोड़ी थोड़ी मतलब कुछ ही समय तक वहां रही, लेकिन वहां रह नहीं पाई और एक हादसा मेरे साथ हुआ। उसके बाद में मैं फिर से हिंदी में आके लिखने शुरू किया। और हिंदी में मेरा सफर ये रहा कि हिंदी मैंने 7वीं 8वीं और 10वीं तक, 8वीं 9वीं और 10वीं तक हमारे लिए स्कूल में तृतीय भाषा हुआ करती थी। ज्यादा मैंने हिंदी पढ़ा नहीं है कहीं भी, तो मेरी हिंदी बहुत ही कमजोर थी, लेकिन मुझे अभिव्यक्त तो करना ही था किसी ना किसी भाषा में। कोंकणी तो बहुत ही छोटा सर्कल था, बीच में मुझे घुटन सी जी होती थी। फिर कन्नड़ में लिखना ही नहीं था उन लोगों के सामने, क्योंकि मैं नफरत के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मुझे सिर्फ प्रेम करने आता है, वो चाहे पक्षियों से हो या फिर लोगों से हो, दुनिया से हो, पूरे विश्व से हो, समुन्द्र से हो, चांद से हो, तारों से हो, एक या तरह फिर से कोई। आपने, हाँ कन्नड़ साहित्य के लिए भी संघर्ष किया, उसकी किताबें भी हैं, और हाँ हिंदी में भी आने के लिए संघर्ष करना पड़ा उसी भाषा को लेकर के, या वहाँ के साहित्यकारों के प्रति जो आपके प्रति जो नजरिया थी उनको लेकर के, लेकिन आप अपना काम करती रही, ये सबसे बड़ी बात है। और इस तरह का काम करना साहित्य के क्षेत्र में साहित्य के लिए योगदान है, ना कि लोगों के लिए। जब तक आप रचिएगा नहीं, तब तक लोगों को दीजिएगा कैसे? लोगों से लेना है, लोगों को दे देना है, फिर इतना नफरत और इतना जलन और इतना क्यों लोग करते थे समझ नहीं आता है। ये भी एक स्त्री के पीछे पढ़ करके, जो इतना सुंदर और खुल करके पब्लिक डोमेन में अपना काम कर रहे, लिख रही हैं, उनको तो और सहयोग करना चाहिए। क्योंकि दक्षिण भारत के दृष्टिकोण में उत्तर भारत में यह है कि वहाँ काफी खुलापन है, लेकिन इतना खुलापन दिखाई नहीं दे रहा है एक साहित्यकार को भी लेकर के। साहित्यकार तो सभी के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। तो जी एक यह बात जो है आश्चर्य व्यक्त करने वाली है कि आखिर ऐसे लोग कैसे हो जाते हैं। ये तो उत्तर भारत में कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन आपके साथ जो घटना, मतलब कि घटना ही कही जाएगी कन्नड़ को लेकर के या हिंदी को लेकर के, वहाँ लोगों ने असहयोग किया, असहयोग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बावजूद आपने यहाँ इस ऊंचाई तक पहुँचने में कामयाब रही, अपना व्यवसाय किया। खैर जो बीत गई सो बात गई, हम तो ये चाहते हैं कि आप एक कविता सुनाइए, कहानी सुनाते हो तुम, आपके पास बुक होगी, आपके पास एक मुजरिम का हाँ बयान, कहानी सुनाते हो तुम। पेज नंबर 74 पर है, एक मुजरिम का बयान संग्रह में, कहानी सुनाते हो तुम शीर्षक नाम से। अच्छा एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जब ये संग्रह आया, इसका नाम मैंने शुरू में देखा तो मुझे अटपटा वाला, सही बात यह है, क्योंकि इतनी मुलायम और इतना दर्द और इतना प्रेम भरा हुआ यह संग्रह है, और प्रेम के अंदर दर्द भी है। और इस तरह का मैंने मुजरिम का बयान, तो मुजरिम का बयान जो है ये फिर बाद में पूछूंगा, पहले कविता को पढ़ लीजिएगा तब कि दिमाग में कहाँ से आई, क्योंकि मुझे रखना होता इसका शीर्षक तो मैं कुछ और रखता, ये नाम नहीं रखता। आपने इसे क्यों रखा, या तो पहले बता दीजिएगा ना, तो फिर बाद में कविता पढ़ने के बाद बताइएगा कहानी इसके शीर्षक को सुनाते लेकर। हो, ये कविता पढ़नी है क्या? पहले आप सुना दीजिए कविता, कहानी सुनाते हो तुम, सेवेंटी हाँ एक मिनट, फोर पेज पर, एक मिनट मैं सुनाती हूँ। इसके बाद इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा अपने शीर्षक को लेकर। ठीक है।
एक कहानी सुनाते हो तुम, कविता है ये जो है, ये स्त्रियों के बारे में, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो स्त्रियों में भी बसी है। वो अंत में जाकर वो आदम और ईवा से शुरू होती है कहानी, आदम से शुरू होती है और यहाँ तक कि जो है औरत, उनके उनके अंदर भी वो पुरुष प्रधान व्यवस्था के बीज जो होते हैं, विष बीज वो उनके अंदर भी होते हैं, जी जी यही कविता बताती है ये कविता। का पाठ करिए आप, हाँ एक कविता का मिनट, पाठ मैं अब, करिए। हाँ अभी करती हूँ। कविता का शीर्षक है कहानी सुनाते हो तुम। मेरे पिया कहानी सुनाते हो तुम, मेरे मुहिम घेसुओं को उंगलियों से सहलाते, मेरे घुटनों से घुटने मिलाकर, मेरे सीने में सुलगती आग से बदन सेकते सेकते, और मुझ में मुझे यूं रमाते बहलाते फुसलाते, मेरे कानों में होंठों को गाड़ कर एक ही लय गति में कहानी सुनाते हो तुम। आधी जागी सी आधी सोई सी उन्मत्त चित्त हूंकारती हूं मैं। अरे ईवा, तुम तो वो निषिद्ध फल खा चुकी थी और इस एडम को भी खिला दिया था। किस तरह तुम कहानी शुरू कर देते हो और हूं करती हूं मैं। ये तो एक कहानी है, झूठी सी एक कहानी, सच के अनुरूप बनी कहानी, झूठ को ही सच में तब्दील कर देने वाली कहानी, सिर्फ हुंकारा निखर निहा निरखती कहानी। वे पल, वे दिन, रात, वो समय, वो सदियां, वो युग, उन सब के पार तुम्हारी अभीप्सित कहानी, मेरे सुकोमल गालों पर तुम्हारी नुकीली दाढ़ी रखकर, कानफूसी में जो तुम कह रहे थे वही कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बीच में ही मेरी अर्धचेतना सी अवस्था में एक दुस्वप्न, भाग रहे हैं अक्रांत चीखें तितर बितर होकर, कोई दुष्ट बलिष्ठ हाथ पत्थर फेंक रहे हैं जब तक उन भयभीत चीखों का अंत ना हो जाए। जोहर के जोलाहल दहकती चिताग्नि के कुंड में अनगिनत सिसकियां और बुबकारियां कराहते हुए जलकर राख होती हैं। न जाने कितने सतिच्छेद बनते हैं, यौन कटवा कर गिरते हैं नाक और कान, और यहां से बचकर निकलती कई छींकें सूली पर लटकती हैं, कई चिल्लाहटें बीच सड़कों पर बिखर पड़ती हैं, कई विलाप पादरियों के दिव्य प्रवचनों में पिघलकर, कई आहटें होम कुंड में धुआं बनकर, कई सिसकियां कब्र में दबकर दफन हो जाती हैं, और उस तरफ तुम अपनी मर्दानगी फक्र से जख्म और नासूर की गंदी बू से सड़ती रक्त और मुवाद के नाले में अपने हाथ मुंह धो लेते हो और डुबकी मारते तैरते बेहया नहा लेते हो। मैं धड़ाम से जाग उठकर चहूं और यही सब देखकर, मेरे घेसुओं को अपनी उंगलियों से सहलाते अपने बदन पर लिपटे तुम्हारी तरफ देखने लगती हूँ।
तो आंखों से आंखें नहीं मिला पाती हूं और फिर नींद के आगोश में फिसलने की एक कोशिश में तुम्हारी उस कहानी के खुले कान बनकर हूं हूं हुंकारती हूँ। युगो युगों तक सरक चुका है समय, इस तरह कहानी सुनाते सुनाते। पिया, कितने थक चुके हो तुम? उछलती नदी को नदी की तरह बह रहा है तुम्हारा पसीना, तुम्हारी सांसें तो बेकाबू बवंडर सी है। अब तो तुम्हारी बांसुरी सी सुरीली आवाज भी पागल गधेड़े की हूक में बदल कर परिहास कर रही है। मेरे प्रियतम, तुम्हारी आंखें यूं आग और धुआं उगलने लगा है, लग गई है क्यों? अब तुम्हारे दांत और नाखून भी तेज धार की कटरियां सी ही सही, कटरियां ही सही। तुम कुछ भी कहो पिया, कहानी सुनाते सुनाते बेहद थक चुके हो तुम। इतना सब कुछ होने के बाद भी कहानी और भी बाकी है, बाकी थी। और हूं हुंकारती हूं मैं, मेरे ही अनुरूप की शख्सियतें मेरे सब और खड़े होकर तुम्हारी ही कहानी सुनाती हैं। और हूं हुंकारती हूं मैं, एक पल मौन सन्नाटा छा भी गए जाए अगर उस कहानी को खुद रटते रटते मजबूत कर लेती हूं मैं उस कहानी में। मगर पिया, क्यों, कहां, कैसे, कौन और कब, सवालों को बेहुदा समझकर निर्बंध लगाया गया है न पिया? क्यों, कहां, कैसे, कौन और कब, इन सवालों को बेहुदा समझकर निर्बंध लगाया गया है न पिया? वाह, बहुत अच्छा। अब इस कविता के बाद मेरा निर्माला जी हमें हाँ बताएंगे कि इस पुस्तक का शीर्षक एक मुजरिम का बयान कैसे दिमाग में आया। हाँ आपने जैसे शुरू में कहा, ठीक वैसे मुजरिम तो हम ही हैं। मुजरिम तो आज जो न्याय के लिए आवाज उठाता है, सच जो बोलता है, वही मुजरिम बन चुका है। जब फासिसम का हाथ ऊपर उठने लगा है और झूठा एक राष्ट्रवाद या फिर जो भी नाम आप दे सकते हैं, वो जो देश में चल रहा है, उस वक्त ना जाने कितने लोग सलाखों के पीछे, क्योंकि उन्होंने सच्चाई के लिए लड़ा है, न्याय के लिए लड़ा है उन्होंने, उनकी लड़ाई लोगों की रोटी के लिए है, अन्याय के विरुद्ध है, न्याय मतलब ये इन सब दुष्टता के विरुद्ध है, नफरत के विरुद्ध है, प्रेम के प्रति है। उन लोगों को आज एक मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया है। तो सोचती हूँ, ये कवि भी एक मुजरिम ही है, हम भी मुजरिम है, इसीलिए वो नाम दिया गया है उस कविता के लिए, और इस किताब का शीर्षक भी वही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। एक कविता है आपकी, भवंडर। हाँ तो इस कविता में आप लिखती हैं, न हाँ कोई गम्य है और न कोई लक्ष्य, यूं ही चक्कर खा रहा है बिकाबू भवंडर। खाम खाम क्यों लगता है डर, इस भवंडर में सिर्फ सूखे पत्तों को ले उड़ने की ताकत है। अब तक हाँ कोई भवंडर सितारों को तोड़कर गिरा न सका। ये हाँ दीर्घ जो है ये बहुत तगड़ा है। इस तरह की समकालीन कविता में बिंब नहीं आए हैं, पहली बार इस तरह के बिंब दिए गए हैं कि खामखा क्यों लगता है डर, इस भवंडर में सिर्फ सूखे पत्तों को ले उड़ने की ताकत है। अब तक कोई भवंडर सितारों को तोड़कर गिरा न सका।
कोई बवंडर, कोई तूफान हम सितारों को तोड़कर गिरा नहीं सका। इस तरह का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं लिखना चाहता था लेकिन वो बात दूसरी तरफ मुड़ गई थी तो आगे मैं लिखूंगा। फिर आगे आप लिखती है, देखा तुमने कई बार बवंडर की तेज रफ्तार की चक्करों के साथ पूरे सूखे पत्तों में भी आसमान को छूने की उतावलापन मरने लगता है। जी हाँ, खुद ब खुद चक्कर खाने वाले बवंडर से धरती का कचरा धूल मिट्टी बिखेरती है और एक ही जगह में राती बाती मन के तन में जमे कीचड़ उकसाती है। आज तो कुछ गजब ही हो गया, सूखे पत्तों को ले उड़ने वाले बवंडर ने उन झोपड़ियों को भी उजाड़ दिया। सूखे पत्ते और झोपड़ियां इन दोनों के बीच का फर्क न समझता बंगला जोर जोर से हंसने लगा। आज जाने क्या क्यों मुझमें हवा का रूबरू देखने की तीव्र मनसा जाग उठी थी। अचानक सामने एक बवंडर खड़ा होकर आंखों में दूर झोंक गया। मेरा मिट जाना कुदरत को भी कहां मंजूर था। बवंडर ने ढह जाने नहीं दिया, भवन में उड़ जाने नहीं दिया। दोनों तरफ से था खिंचाव बराबर का, मुझे दुनिया के आगे यूं खड़ा कर दिया। ये कविता जो है इसका दीप और अंतिम पैराग्राफ है, इतनी ताकतवर हो जाती है कि रचनाकार में बीच में खड़ा हो जाता है। चाहता कि बवंडर में जो भी झोपड़ियां उड़ रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, सब कुछ, मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूँ। इस बीच में कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है और ये दुनिया के आगे क्यों खड़ा कर दिया गया है। कविता जाके यहाँ पे आते हैं तो इस तरह की बात मांग कैसे आ जाती है आपको? तजुर्बा जो है वो सब कुछ सिखा देता है। तजुर्बों से जो भी सीखता है वो किसी विश्वविद्यालय में भी नहीं मिलता है सीखने को। ये ठोकरे मार मार कर सिखाता है, ठोकरे खा खा कर हम सीख लेते हैं, ऐसे आ जाती है कविताएं। इसी तरह कविता है कैसे किन दिलाऊं, ये आदमी समुन्द्र के किनारे रेत को सहलाती हूँ तुम्हारी गुड़ियों के खाती। तो इसमें जैसे आप लिखती हैं प्रेम पर चलती हूँ, प्रेम के राह पर, और अचानक आप घबराने लगती हैं, आपकी दर्द आने लगता है प्रेम को लेकर के, अचानक घबरा जाती हूँ जैसे भारी नदी में हीरे की अंगूठी उंगलियों से छूट कर कहीं गिर रही हो। इससे प्यार था, वो हीरा था लेकिन वो अंगूठी के रूप में था, सिंबलाइज था, प्रतीक था, लेकिन वो गिर जाता है। यानी जो प्यार कर रहा था वो कहीं हट जाता है, वो प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। झट से मुड़ जाती हूँ तुम्हारे कानों में कुछ करने के लिए, फिर वापस आ पाती है। कैसे किन दिलाऊ मन को पिया कि अब तुम साथ नहीं हो, फिर एक बंधन टूट जाता है। कविता काफी कुछ है, मतलब संवेदनशीलता लिए हुए है, संवेदनशीलता जो कही अपनी कविता में उसको लेकर के, एक विछोह है प्रेम को लेकर के। क्या आप ऐसा किस कैसे मतलब इसको महसूस है, इस पर क्या कहना चाहती है, आखिर जानना चाहेगा आपको इस कविता को पढ़कर? आप जब इसे पढ़ रहे थे मेरी आंखें नम हो रही थी, क्योंकि प्रेम ही है, प्रेम है, वो कभी खत्म नहीं होता है। चाहे आदमी हमारी जिंदगी में आते हैं, चले जाते हैं, प्रेम करते हैं या प्रेम का दिखावा करते हैं या फिर नफरत करते हैं, कुछ भी हो प्रेम खत्म नहीं होता है। वो प्रेम ना क्या कहें, कभी ऐसा होता है कि उंगली हाँ कट गई है, ये एक सपना टूट गया है, ये होता है। इस बारे में कैसे शब्दों को जोड़ूं मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ मैंने प्रेम किया लेकिन मुझे जिंदगी में कभी प्रेम मिला ही नहीं, वो प्रेम मिला ही नहीं। ये एक बूंद प्रेम के लिए तरसती ही रही हूँ आज भी। प्रेम के बारे में बताऊं तो कुछ बातें मुझे बताना जरूरी समझती हूँ,
कि मैं बचपन से प्राणी पक्षियों से ज्यादा रिश्ता रखकर पली बड़ी हूँ। आज तक मेरे साथ जो पक्षियाँ जो जानवर जो भी आए उन लोगों का प्रेम एक बार आपको आदत पड़ जाती है ना, तब लोगों का प्रेम वो फीका सा लगता है, धोखा सा लगता है, झूठा सा लगता है, स्वार्थ सा लगता है, ऐसा है। क्या कहें इसके बारे में, कुछ रिश्ते हम निभा जाते हैं प्रेम हो जी या ना हो, फिर भी ऐसा है। आप तो पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम रखती हैं, और पिछले दिनों मैंने आपकी फेसबुक वॉल पर पढ़ा था कि एक कौवा जो था वो आया, आपने रोटी रख दी, फिर रोटी छुआ नहीं, आपने फिर उसको लिया, फिर छोड़ दिया, फिर आपने हटाया। पशु पक्षियों के साथ आप खेलती हैं, खेलियां करती हैं, बल्कि कविताएं भी लिखती हैं। एक कविता आपने लिखी है, पिंजरा और पंछी, उसको आप पढ़िए तो पाठकों को अच्छा लगेगा। पिंजरा और पक्षी, पंछी, पेज नंबर 95 पर। पेज नंबर 95। पिंजरा और पिंजरा पंछी। और पंछी। हाँ ठीक है। और माइक नजदीक रखिए ताकि आवाज साफ आए, मुंह के हाँ पास ठीक हटा है। कर रखिए मोबाइल को, तो हाँ आवाज कहीं इको हो रही है आपकी। हाँ ठीक है। पिंजरा और पंछी। पिंजरे में बंद परिंदे में बेहद उड़ने की चाहत, लगता है आसमान का शिकंजा खस्ता जा रहा है, लगता है आसमान का वाह शिकंजा खस्ता जा रहा है। पंछी अंदर उसका गाना बाहर, बीच में खड़ा है पिंजरा बेबस। अक्क महादेवी कन्नड़ की पहली कवयित्री है। अक्क महादेवी उतारते चल पड़ी एक एक करके लिपटे मोह के सतहों को, अब मुझे एक एक करके इन पंछियों को पिंजरे से मुक्त कर देना होगा। मैं हूं एक पिंजरे वाली, बाहर हूं या अंदर जानती नहीं। जब जब पंछी पिंजरे को शिकायत करते हैं, मूंछों तले वाह, नाचती है मालिक की हंसी। वाह, बाज की आंखों की निशाना बने एक पंछी को आसमान का खुला मैदान भी पिंजरा सा लगता है। आखिर वह पंछी पिंजरे से निकलकर उड़ने में कामयाब हो ही गई गया। अब सोच तेरा पिंजरा कितना कमजोर निकला। हाँ उस लंबे दर्द भरे गाने को सुनकर तुम कोई तन्हा पंछी मत समझना, कई बार खाली पिंजरा भी विरहा में यूं ही रो लेता है। पिंजरे का मतलब नहीं है कैद खाना, पिंजरे का मतलब नहीं है कैद खाना। मालिक के हाथों में पिंजरा भी एक शापग्रस्त कैदी ही है। पंछी निकल कर उड़ा ढूंढ कर अपना साथी, अब खाली पिंजरे के सीने में पंछी के ही ख्याल। यहाँ खाली पिंजरा है, वहां तन्हा पंछी, अब मैं क्या बनू। प्रेम का मतलब बंधन और जीवन, पंछी का मतलब पंख और उड़ जाना। वहम का पंछी तो कब कब उड़ गया, या खाली पिंजरा एक गरम नरम घोंसला कभी नहीं बन पाया। पंछी को पिंजरे में कैद
करने वाले को खबर ही नहीं कि पंछी पिंजरे के उस पार कितनी दूर तक नजर बिछा सकती है। बहुत सुंदर। हाँ सर, एक कविता जो मुझे बहुत संवेदित करती है वो एक बेटी को आपने लिखी है, बेटी हाँ। को शीर्षक से है। हाँ एक समाप्त पेज पर है, उसको पढ़िए आप, इसको क्या को पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा 189 कितने नंबर, पेज नंबर 109 109 कविता का शीर्षक है बेटी को। बेटी को हाँ, मेरे शव को नहलाने के वक्त छूना है तो छू लो, घिन आती है तो मत छूना। मेरे शव को नहलाने के वक्त छूना है तो छू लो, घिन आती है तो मत छूना। फूलों से ढके मेरे शरीर को चूमना है तो चूम लो, घृणा आती है तो मत चूमना। मेरे शव को कब्र के गड्ढे में उतारने के समय रोना है तो रो लो, हंसना है तो हंस लेना। तुम्हारा छूना या न छूना, चूमना या न चूमना, रोना या न रोना, या फिर हंस लेना, मैं तो नहीं देख पाऊंगी, बल्कि देखने वाले हैं तुम्हारे और मेरे सब। और कल उन लोगों के बीच में ही जिंदगी बितानी होगी तुम्हें। यद्यपि मेरी अति धैर्यवान बेटी हो तुम, मेरे शव को नहलाने के वक्त छूना है तो छू लो, घिन आती है तो मत छूना। बहुत अच्छा। आपकी कविताओं में फूल या कब्र, मुर्गा, तानाशाह, मतलब प्रेम, जवानी, मतलब बहुत सारी चीजें एकदम खुल करके आती हैं और एक बार बार आती हैं हर कविता में, लगभग हर कविता में। तो मुझे ये जानना है कि कुछ शब्द आपके प्रिय हैं, जैसे हर कवि का होता है वो तो आएगा ही। जैसे आपने कविता लिखी है फूलों के दुकान, बहुत छोटी कविता है लेकिन बहुत अच्छी कविता है। जब भी मैं फूलों के दुकान में होती हूँ, एकदम सरल और सहज कविता, जब भी मैं फूलों के दुकान में होती हूँ लगता ही नहीं कि मैं मुर्गों के घर में हूँ। दिन भी ये भी दिन अलग तरीके से है। अब याद तो रहता है कब्र राह, जैसे कब्र पर बहुत सारे फूल चढ़ाए दिए जाते हैं और यहाँ फूल बेचने वाले हैं, बहुत सारे फूल दुकान में से ला लेते हैं। अब दोनों लगता है कि एक ही की तरह है, एक तरह है, उसकी सुंदरता अलग है, उसकी भी सुंदरता अलग है, लेकिन सुंदर दोनों है। जी। एक कमबख्त फूल भी, आगे का वाक्य है, एक कमबख्त फूल भी गला कटवा लेने के बाद भी इतना मुस्कुरा लेते हैं, फूल की पंखुड़ियों को काट देते हैं, उसे गले काट देते हैं, फिर कैसे मुस्कुरा लेते हैं जो कब्र पर चढ़ते हैं, जो दुकान पर सजे हैं, जो प्रेमी को देते हैं, अपनी गला कटवा करके मुस्कुराते रहते हैं। प्रेम कविता के रूप में मैं लेता हूँ, आप इस कविता को किस रूप में लेती हैं? जी, इस कविता के बारे में, फूलों के दुकान वाली कविता, फूलों के बारे में, वो फूलों की दुकान के बारे में। हमारे घर में एक छोटा सा बगीचा था, वहां हम फूल तोड़ते नहीं थे,
क्योंकि मुझे लगता था वो उनको दर्द होता है और मुझे लगता था कि अगर वो उस पौधे में ही रहेगा तो ज्यादा दिन रहेगा। और वो जो चमेली के फूल होते थे, ये एक पेड़ था उसके ऊपर हमने वो चमेली की बेल छोड़ रखी थी, उसके वो फूल गिरते थे ना, वहां बैठकर मैं पढ़ाई करती थी मतलब पेड़ के नीचे वो फूलों में बैठकर, मतलब मेरे ख्याल से फूलों का, मेरे मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि वो फूलों का ये गला हम काट देते हैं तो मुझे मुझे तो बहुत दर्द होता है। यहाँ ये कोई मैंने सुना था वो सिर्फ गिरे हुए फूल चुनते थे, कोई थे महंत वो सिर्फ गिरे हुए फूल चुनते थे और वो उसको काट कर मतलब पौधे से हाथों से अलग करके उनको वहां से तोड़ के आके भगवान को चढ़ाना या फिर कहीं उसको सर पे पहनना, ये सब नहीं करना है ऐसा उनका मानना हाँ था। मेरी सोच भी काफी हद तक वैसी ही है और कितने विरोधाभास होते हैं देखिए, लोगों को अगर एक मुर्दे को, मेरी एक कविता में मैंने वो लिखा है क्या है कि मुर्दों को हम फूलों से सजाते हैं, फूल ना कम्बख्त वहां भी हाँ फंस लेते हैं हंसते रहते हैं, ये होता है तुमने कहा कि फूल सब बार बार आ रहे हैं, जी। इसलिए तुमने कहा कि फूल मुर्दा प्रेम इस सब बार बार आ रहे हैं आपकी कविता में। हाँ हाँ यही आपकी बात पूरी करिए। मैं ये चाहता हूँ कि कविता है 111 पेज नंबर पर 111 हाँ तानाशाह के वध स्थान पर, वध स्थान पर ओके उसको पढ़िए हाँ और इस कविता के बारे में पहले बताइए, इस कविता के बारे में, हाँ इस जी कविता की रचना प्रक्रिया के बारे में जरूर बताइए और तब जरूर पढ़िए। हाँ वन 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 ना हाँ ताना वन साहू वन वध वन स्थान पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले तुम और तुम जैसे लड़कों पर एक शर्त लगाकर ही मैं निकलती हूँ कि जाते जाते मेरे प्रेम में मत फिसलना। जी हाँ हाँ थक चुकी हूं मैं, काफी बिगड़ चुका है बदन का आकार भी जवानी के घटते घटते, कदमों जी की लयात्मक ताल पर अब कमर और नितंब नाच नहीं पाते हैं, मुरझा हुआ कांतिहीन चेहरा पहले से मौजूद थोड़ा सा टेढ़ापन दांतों का वो और भी बढ़कर ढीले पड़े होंठ उन पर कुछ ऊपर या नीचे सरक कर झूलने लगे हैं, कभी सितारों की तरह झिलमिलाते नैन अब बन चुके हैं तेल घटता हुआ बेआब दीपक, काट कर गिराए गए पेड़ की तरह थोड़ी देर आराम करने लेट जाती हूँ, जांघों को ढालों की तरह इधर उधर पसार कर, तुम जैसे कच्चे लड़कों को अप्रिय लगे ठीक वैसे, खर खर खराटे लेने लगती हूँ, मुंह के कोने से लार की धारा रिसने लगती है, फिर भी तुम लड़के मेरे प्रेम में फिसल कर डूबते हो और नेपेंटिस की तरह दम घुट कर कत्ल होने के लिए बेकाबू तड़प उतावले हो जाते हो, और चमड़ी की परतों को सरकाने के प्रयास में झूलते स्तनों के मांसल पर्वतों को
पार करने के प्रयास में कहीं उस पार खोए हुए भंडार की खोज में खो जाते हो और हो जाते हो वहीं बेहोश। हम सब संघर्ष की इस राह पर, इस प्रतिरोध की दशा में इस तरह एकजुट कर इस बड़ी तादाद में फौज लिए जा रहे हैं भी तो कहां जा रहे हैं, उसी तानाशाह के वध स्थान पर। इस अहम बात को तुम भूल ही जाते हो और मैं हर बार की तरह वहां से एक अकेली वापस लौटती हूँ और फिर एक बार हम फौज लिए जाने के समय मैं बार बार शर्त लगा कर ही निकलती हूँ कि तुम और तुम जैसे लड़कों मेरे प्रेम में मत फिसलना। हाँ, इस कविता को मैंने इस कविता के बिंब है ये एक स्त्री और ये मामसल का मोह, इस तरह का शब्दों से को जोड़ा है। लेकिन बात ये है, ये कविता आज के ये तानाशाह जो है उनके, मतलब विश्व भर में जो भी तानाशाह है उनके विरुद्ध लड़ने के लिए फौज लिए जाते हैं ना, मतलब ये संघर्ष की राह का, ये प्रतिरोध के बारे में मैं बता रही हूँ। आज जो प्रतिरोध हो रहा है विश्व भर में तानाशाहों के विरुद्ध में, जब भी प्रतिरोध होता है वहां क्या हो रहा है कि हर कोई प्रतिरोध में जाने के लिए नाम, माइक, भाषण या कोई उनका अधिकार, ये सब पाने के चक्कर में वो क्या असली मुद्दा भूल बैठते हैं। इनके आपस के झगड़े, इन लोगों के छोटी छोटी, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए इनकी जो अभिप्सा होती है ना, जो उन्हें पाने के लिए, उसके लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां यहाँ फेल हो जाती हैं। ये आपस के झगड़ों से कितने सारे प्रतिरोध आज भारत में जो जितने भी हुए, किसान आंदोलन से एनआरसी हो या फिर वहां से शुरू होता है, प्रशस्ति वापस लौटाने की बात हुई थी कब से, या फिर कहां से भी शुरू कीजिए आप, प्रतिरोध जितने भी हुए, जितने लोगों के फंसारे, गोविंद फंसारे जी हो या फिर दाभोलकर हो, गौरी की हत्या हो या कलबुर्गी जी की हत्या हो, जितने भी प्रतिरोध हुए वो फेल क्यों हो जाते हैं, वो एकजुटता फेल क्यों हो जाती है, हमेशा वो हार क्यों जाते हैं, हम बिखर कर क्यों लौटते हैं वापस। ये मुझे बताने के लिए इस कविता को, कविता को जोड़ना पड़ा, शब्दों को जोड़ना पड़ा। मैं कुछ अलग से लिखना चाहती थी क्योंकि ये हम लिखते हैं, हमारी लेखनी की धार इतनी तेज करनी चाहिए, अलग ढंग से या कुछ और तरीका ढूंढना चाहिए ताकि वो कविता उनके अंदर जाए, इसीलिए ये कविता मैंने रची थी। लेकिन बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रही थी कविता, पता नहीं क्यों। वहां मैंने सीधे सीधे लिखा था कि तानाशाह के वध स्थान पर हम जा रहे हैं, यहाँ सोचना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों ये है कविता का, कविता के बारे में। जी, अपने पसंद की कविता सुनाइए इस संग्रह से। हाँ हाँ जी, मेरी पसंद की, मतलब आपने सुना दी वही दो छोटी छोटी कविताएं ठीक वो पसंद हो वो सुनाइए अभी मैं दूसरी कविता सुनाती हूँ आपको। अब तू मेरा हाथ ना छोड़, पता है तुझे, तुझसे भी पहले मेरा ये प्रेमी हुआ करता था, बचपन से लेकर तुझसे मिलने तक
मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करती रही, एक बार गले लगाने की चाहत से दहकती रही। उसकी बाहों में एक ही गहरी नींद सो जाने की आस से तड़पती रही। कितने प्यासे थे होंठ मेरे, तरस रहे थे उसे यूं ही उठाकर पी लेने के लिए। मेरे इर्द गिर्द मंडराते लोगों से एक बूंद प्रेम का कभी ना मिलने पर, और वो भी कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी मेरे सर पर कभी मेरे पैरों तले, गश्त लगाता रहा लगातार, चूहे पर आंख बिछाए बैठी एक भूखी बिल्ली की तरह। और अब तू मिल गया है, मुस्कुरा रहा है, खिलती जिंदगी का एक सम्मोहक शक्ल लेकर। सुन जिंदगी, तुमसे भी पहले मेरा एक प्रेमी हुआ करता था, उसका नाम था मौत। तुझसे भी पहले मेरा एक प्रेमी हुआ करता था, उसका नाम था मौत। ऐ जिंदगी, अब तू मेरा हाथ न छोड़, वरना मुझे उठा कर ले जाएगा वही चोर। ऐ जिंदगी, अब तू मेरा हाथ न छोड़, वरना मुझे उठा कर ले जाएगा वही चोर। बहुत सुंदर। हाँ, शुक्रिया। पुराने और सुनाइए। लिबास, पुराने लिबास, ये कविता का शीर्षक है। वो रात भर अपनी नई प्रेमिका को अपनी पुरानी प्रेम कविताएं सुनाता रहा, जैसे किसी के पुराने लिबास किसी और बच्चे को उठा के दे देते हैं। वाह, उसने किसी बच्चे को अपने फटे पुराने कपड़े दे तो दिए, उसी पल कैमरे में कैद भी कर लिया उन आंखों की उस झिलमिलाहट को, जो उसके मुड़ जाते ही बूंदों में टपक पड़ी। नए कपड़ों के रंगीन सपने ले देखकर नए कपड़ों के रंगीन सपने देखने वाले लड़के पर किसी के दिए पुराने लिबास कभी ढीले पड़ते रहे, कभी तंग। इसे देखते देखते कोई हंसता रहा उस पर, और वो हंसता रहा खुद के दुर्भाग्य पर। देश का राजा तो लिबास बदलते बदलते नंगा ही हो चुका। देश का राजा तो लिबास पहन बदलते बदलते नंगा ही हो चुका। उसको अब कैसे समझाएं? देश की धरती पसीने की खुशबू से महकती है, इत्र से नहीं। उसको अब कैसे बताएं? वाह, देश की धरती पसीने की खुशबू से महकती है, इत्र से नहीं। बहुत सुंदर, बेहतरीन बेहतरीन। एक और अंतिम कविता, उसमें थोड़ा हम खत्म कर देंगे। एक और हाँ सर, लग एक मुजरिम का बयान। इस कटघरे में खड़े होकर अपनी सफाई में बस इतना ही कहना है जज साहब। इस कटघरे में खड़े होकर अपनी सफाई में बस इतना ही कहना है जज साहब। वो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं तो बेकार की चीज हूँ। वो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं बेकार की चीज हूँ। उन्होंने मुझे पीटा, मैंने आंख उठाकर देखने की गुस्ताखी की। उन्होंने मुझे पीटा, मैंने आंख उठाकर देखने की गुस्ताखी की। उन्होंने मेरे पेट पर लात मारी, मैंने दर्द के मारे चीखने की जुर्रत की। उन्होंने मेरे पेट पर लात मारी, मैंने दर्द के मारे चीखने की जुर्रत की। उसकी गूंज उनके नाजुक कानों से होकर उनका दिमाग खदेड़ दी, और मैं मारा गया जज साहब। उसकी गूंज उनके नाजुक कानों से होकर उनका दिमाग खदेड़ दी, और मैं मारा गया जज साहब।
अब आप जो सजा सुनाएंगे वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। लाचार जरूर हूँ साहब, कायर नहीं हूँ। बड़े लोगों के लिए मैं बार बार मरने के लिए तैयार हूँ। अब आप जो सजा सुनाएंगे वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। लाचार जरूर हूँ साहब, कायर नहीं हूँ। बड़े लोगों के लिए मैं बार बार मरने के लिए तैयार हूँ।